मंगलवार को पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा और 49,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी ने पीड़िता को बहला फुसला कर दिल्ली ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि ब्यावर सदर थाने में बच्ची के घर से गायब होने और दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़ित परिवार ने शिकायत में बताया कि उनकी 14 से 15 साल की नाबालिग बेटी बिना बताए घर से निकल गई। परिवार ने संभावित स्थानों पर तलाश किया लेकिन वह नहीं मिली। इस दौरान घर में एक मोबाइल पड़ा मिला जिस पर डायल करने पर वह मोबाइल आरोपी फजलुद्दीन का निकला। इसके बाद उसके खिलाफ ब्यावर सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ब्यावर सदर थाना पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर 2 माह 10 दिन बाद पीड़िता और आरोपी को दिल्ली के उत्तम नगर से दस्तयाब कर लिया। पीड़िता ने अपने 161-164 के बयानों में बताया कि आरोपी फजलुद्दीन ने उसे घर से बाहर बुलाया और जबरन अजमेर रेलवे स्टेशन ले गया और वहां से उसे दिल्ली ले गया और करीब 1 महीने तक किराए के कमरे में रखकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने सुनवाई के बाद सजा का ऐलान किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह और 29 दस्तावेज पेश किए गए। जज ने डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई करते हुए आरोपी फजलुद्दीन पुत्र मोहम्मद काठात को 20 साल जेल की सजा सुनाई, साथ ही आरोपी पर 49,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। जज ने अपनी टिप्पणी में कहा कि 14 साल की नाबालिग बालिका के साथ आरोपी ने जिस प्रकार का कृत्य किया है ये मानवता को शर्मसार करने वाला है। छोटी बच्ची के साथ जिस प्रकार की घटना की है उससे उसकी मानसिक व मनोस्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ न्यायाधीश ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम में पीड़िता को 6 लाख रुपए दिलवाए जाने के भी निर्देश दिए। देखिए, आज पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश श्री बन्नालाल जी जाट द्वारा पॉक्सो एक्ट के आरोपी फजलुद्दीन पुत्र श्री मोहम्मद काठात को आज नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोप में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 49,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। घटना अनुसार परिवादी ने पुलिस थाना ब्यावर सदर में एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई थी कि उसकी 14-15 वर्षीय नाबालिग पुत्री 22 जनवरी 2022 को रात्रि 9:30 बजे घर से अचानक लापता हो गई। उसको काफ़ी ढूंढा, तलाश नहीं करा। जब घर के अंदर ढूंढा तो घर के ढूंढने में उसको उनके पिताजी को एक मोबाइल मिला। उस मोबाइल से नंबर डायल करा तो पता पड़ा कि वो नंबर फजलुद्दीन का है। फिर उसके पिता ने फजलुद्दीन के विरुद्ध ब्यावर सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद लगभग 2 माह 10 दिन बाद पुलिस उसको दिल्ली उत्तम नगर से पीड़िता और अभियुक्त को दस्तयाब करके लेकर आई और यहाँ पर लाके पीड़िता के बयान कराए, 164 के बयान कराए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ माननीय न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन की ओर से प्रकरण में 16 गवाह और 29 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए और विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त डीएनए रिपोर्ट से भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना की पुष्टि हुई। इन सभी पर विश्वास करते हुए माननीय न्यायालय ने आज अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 49,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। माननीय न्यायालय ने कहा कि 16 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका को अभियुक्त द्वारा उसके माता पिता की सहमति के बिना और उसकी पीड़िता की सहमति के बिना उसको बहला फुसला कर भगाकर ले जाकर और उसे 2 माह 10 दिन तक सदोष परिरोध में रखकर उसके साथ दुष्कर्म कर किया, ये घृणित अपराध है। इसके प्रति किसी प्रकार का नरमी का रूप नहीं अपनाया जा सकता।